उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री अरुण साव की अध्यक्षता में मंगलवार को विभागीय समीक्षा बैठक हुई। पीडब्ल्यूडी विभाग के कार्यों की समीक्षा कर अरुण साव ने प्रदेश में विभिन्न निर्माण कार्यों को लेकर दिशा निर्देश भी दिए। बैठक में साव ने प्रदेश में निर्माणाधीन रोड, ओवरब्रिज और फ्लाईओवर के काम में तेजी लाने के लिए इन्हें समय सीमा में पूरा करने के लिए निर्देश भी दिए। साव ने दो टूक कहा कि गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्य किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बैठक में पीडब्ल्यूडी दृष्टि ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप से एसडीओ फील्ड में चल रहे कार्यों की फोटो अपलोड करेंगे, इससे धरातल में चल रहे कार्यों की स्थिति का पता चल सकेगा। पीडब्ल्यूडी मंत्री अरुण साव से बात करेंगे। सर, आपने पीडब्ल्यूडी विभाग की समीक्षा बैठक की, कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए आपने, कौन कौन से निर्देश? आज लोक निर्माण विभाग की प्रदेश स्तरीय समीक्षा बैठक मैंने ली है। बैठक में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से ऊपर रैंक के अधिकारियों के साथ बैठक की। पूरे प्रदेश में जो निर्माण काम चल रहे हैं उनको लेकर बातचीत की, कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है कि गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं करना है और समयबद्ध तरीके से काम विभाग का हो। और छत्तीसगढ़ में जो सड़कों के हालात हैं, मैंने पहले ही कहा था कि वो गड्ढे तुरंत भरे जाएं और आगे अच्छी गुणवत्ता युक्त काम पूरे प्रदेश में हो, इसके लिए निर्देशित किया है। कई प्रशासनिक जो खामियां थी उन्हें भी दूर करने का, ताकि विभाग के कामों में गति आए, विश्वसनीयता बढ़े, पारदर्शिता आए, इसके लिए निर्णय लिया है। आज हमने पीडब्ल्यूडी दृष्टि ऐप का भी शुभारंभ किया है। जब हमारे एसडीओ फील्ड पे जाएंगे किसी काम का मुआयना करने, तो वहीं से उस काम की स्थिति के बारे में उस ऐप में फोटो अपलोड करेंगे, ताकि हमें पता चल सके कि वहां पर धरातल में काम की क्या स्थिति है। और वो तभी अपलोड होगा जब वो फील्ड से ही वो फोटो अपलोड किया जाएगा। तो ऐसे टेक्नोलॉजी का उपयोग करके काम को और पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने की दिशा में मजबूती से काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में पीडब्ल्यूडी के काम में अंतर दिखेगा और काम में तेजी आएगी। बिल्कुल, हमारे साथ पीडब्ल्यूडी मंत्री अरुण साव, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पीडब्ल्यूडी में जो निर्माण कार्य चल रहे हैं वो गुणवत्तापूर्ण हो, इसके दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही जो अधूरे धीमे गति से जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उसको शीघ्र गति से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। कैमरामैन रिजवान के साथ स्वतंत्र गोरखेड़े, आनंद न्यूज़ रायपुर।